आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के सबसे कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी। भाई जब से आसिम रियाज के 14 से बाहर आए हैं शो की तो टीआरपी ही डाउन हो गई है। सो जो चीज़ आसिम वहां पर बोल करके आए थे कि भाई इस शो की जो टीआरपी है वो मेरे कारण है, इसकी जो हाइप है वो मेरे कारण क्रिएट हुई है, कहीं ना कहीं उन बातों में सच्चाई ज़रूर थी भाई साहब। पिछली बार हमने एक वीडियो बना करके डाली थी कुछ दिन पहले ही कि भाई आप बताइए क्या आप आसिम रियाज को दोबारा से के 14 में वापस देखना चाहते हैं, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही थी कि आसिम वापस सकते हैं। सो आसिम के जो फैंस हैं उनके कमेंट्स आए थे कि भाई आसिम की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत बड़ी है, सो उसके लिए वो शो में वापसी नहीं करेंगे। सो फैंस आपकी ये जो प्रेडिक्शंस थी मैं आपको बता दूं कि ये सच साबित हुई हैं। आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी में वापसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आसिम उस शो में नहीं आ रहे हैं तो और कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट वो हमारे लिए लेके आ रहे हैं जिसके कारण सोशल मीडिया के ऊपर वो खूब वायरल चल रहे हैं। सो लेट मी गिव यू सम स्नीक पिक्स अबाउट योर फेवरेट आसिम रियाज थ्रू दिस वीडियो। हाय हेलो सिमरन दिस साइड, और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ आसिम रियाज के बारे में। भाई देखिए जब आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में आए थे तब पहले जो है इतना ज़्यादा तहलका नहीं मचा हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जैसे ही उनका झगड़ा हो जाता है रोहित शेट्टी के साथ उसके बाद से हेडलाइंस में रहे हैं आसिम रियाज। कुछ लोगों ने आसिम को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने रोहित शेट्टी की बात को सही कहा, कुछ ने कहा कि अभिषेक और शालीन जो हैं वो उनको टॉर्चर कर रहे थे, उनको पोक कर रहे थे, इसलिए आसिम से ये बातें कहलवाई गई हैं। देखिए जो बातें आसिम ने बोली थी कि मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है, मैं 6 महीने में 4-4 गाड़ियाँ बदल लेता हूँ, और जो ना मैंने कमाया है वो और किसी ने कमाया ही नहीं है, वहाँ से थोड़ा सा ऐसा ज़रूर लगा था यार कि एक तरीके से ईगो बोल रहा है उनके अंदर से, क्योंकि वहाँ पर और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने आप में जिन्होंने अच्छे एक्सपीरियंस लिए हैं, अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। जब वो लोग जो हैं वो आराम से खड़े हुए थे तब आसिम ये सारी बातें बोलते हुए नज़र आए कंटेस्टेंट्स को, साथ ही साथ क्रू मेम्बर्स को भी उन्होंने ये सब कुछ बोला था, और तब जनता ने ये कहा था कि यही भाई ये जो डिसरिस्पेक्ट की है आसिम रियाज ने रोहित शेट्टी की उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, और उसी का नतीजा ये निकला कि रोहित शेट्टी ने उनको शो से बाहर कर दिया, और सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही आसिम रियाज जो हैं वो खतरों के खिलाड़ी से बाहर हो गए थे। उनके बाद 2 कंटेस्टेंट और चले गए, लेकिन फिर भी जो मसला है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो आसिम रियाज ही रहे लंबे समय तक। फिर उसके बाद थोड़े दिन पहले ये खबरें आई थी कि आसिम रियाज हो सकता है फिर से शो में वापस जाएं। क्यों? क्योंकि शो की टीआरपी गिर गई हुई है। एक तरीके से बिग बॉस वाला वो जो गेम खेलने की कोशिश की इन लोगों ने खतरों के खिलाड़ी में कि लड़वा दो जनों को, फिर उसके दम पे जो है वो व्यूज़ ले लो, और उसके बाद उस पर बातचीत करके फिर से उसको वापस बुला लो। लेकिन यहाँ पर मसला कुछ और लग रहा है भाई। आसिम रियाज की तरफ से ना होती हुई ही एक तरीके से हमें दिखाई दी है, क्योंकि दोबारा से कोई भी टॉपिक उससे रिलेटेड उठा ही नहीं है कि आसिम शो में आएंगे या फिर नहीं। शो भी जो है वो अपने दम पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें कि भाई आसिम रियाज अगर शो में नहीं आ रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं, लड़के का गाना आ गया है भाई। जी हाँ, आसिम रियाज ने शो से बाहर आते ही एक बेहद दमदार सॉन्ग रिलीज़ किया है। गाने को लिखा भी आसिम ने है, उन्होंने गाया भी है, एक तरीके से रैप करते हुए हमें वो नज़र आ रहे हैं। मैंने अभी अभी गाना सुना तो मुझे लगा भाई इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए, इसके ऊपर तारीफ़ करनी तो आसिम की बनती है। पंजाबी में भी रैप कर दिया भाई उन्होंने, और हिंदी में भी रैप किया, गाने में खुद से ही लिखा है, सो इस पर बातचीत भी बनती है और उनकी तारीफ़ भी बनती है। गाने का नाम है बिल्ट इन, और उसकी कुछ लिरिक्स हैं गाने के बीच में, कहीं ना कहीं उन्होंने खतरों के खिलाड़ी के ऊपर और मेकर्स के ऊपर भी तंज कसा है। बीच में कुछ कुछ लाइनें हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ हुक लाइन की। सो हुक लाइन उन्होंने लिखी है कि बिल्ट इन पेन है हुण हुंदी तकलीफ नहीं, ए मेरी बायोग्राफी है कोई नवा गीत नहीं। ये पंजाबी में लिख दी और गाया भी अच्छा है यार, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा गा देंगे पंजाबी में, तो दिस वॉज शॉकिंग फॉर मी। मुझे लगता है उनके फैंस के लिए भी शॉकिंग होगा अगर आपने गाना सुन लिया हुआ है। अगर आपने नहीं सुना तो आप जाके सुन सकते हैं भाई, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कैसा लगा है, और उसकी जो लिरिक्स हैं जैसे मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं तंज कसते हुए वो नज़र आए हैं, क्या आप मुझसे एग्री करते हैं या फिर नहीं। आपको बता देती हूँ कि कौन सी लाइन के बारे में मैं जो है वो बोल रही हूँ। खतरों के खिलाड़ी का पूरा नाम नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए वो हमें नज़र आए हैं। एक और बड़ी चीज़ उन्होंने बोली है कि मैं जो भी करता हूँ वो ट्रेंड बन जाता है। जी हाँ, ये लाइन भी उन्होंने ऐड करी है, और ये बात उन्होंने किस मुद्दे के ऊपर कही है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आए थे खतरों के खिलाड़ी से, जैसे वो बाहर आए थे तो आसिम रियाज क्या कर रहे हैं, उनका अगला स्टेप क्या होगा, क्या उनको अप्रोच किया जा रहा है, क्या आसिम ने हाँ कही है शो में आने के लिए या फिर उन्होंने ना कही है, शालीन के साथ, अभिषेक के साथ उनकी जो हम कह सकते हैं कि उनकी जो
बहस हुई थी उसके बारे में जो है वो अलग अलग क्लिप्स सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही थी। जियो सिनेमा के पेज के ऊपर हमने खुद उनके प्रोमोज में देखा है कि आसिम को खास तौर पर जो है वो टारगेट करके क्लिप्स डाले गए थे उनके दम पर। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यूज़ लाने के लिए ऐसा किया गया। ये फैंस का भी कहना है कि भाई आसिम के दम पर इन्होंने व्यूज़ ले लिए हैं। ये बात खुद आसिम ने भी कही है कि मेरे कारण ही शो की हाइप क्रिएट हुई है। सो वो बात हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर भी नज़र जो है वो आई है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या बात कही है आसिम ने अपने इस गाने में। सो आसिम ने लिखा है कि सुनता नहीं बेइज्जती फिर कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे कोई दोस्त हो ना पड़ो मेरे चक्रों में, दिखा दूंगा सबको कि कैसे खेलता हूँ खतरों से। सो ये बात कहते हुए आसिम रियाज हमें नज़र आए हैं। और जैसे ही उनका ये गाना रिलीज़ हुआ है, कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग हैं जिन्होंने उनकी ये बात से एग्री किया है और वो ये बात जो है क्लियर करते हुए नज़र आए कि कहीं ना कहीं आसिम ने खतरों के खिलाड़ी सीजन के लिए ही ये बातें जो हैं वो सुनाई हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो गाना अच्छा लगा यार, गाने की बीट अच्छी है। म्यूज़िक आसिम ने नहीं किया है लेकिन लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं और गाया भी उन्होंने हैं। तो अभी ओवरऑल यही अपडेट हमारे सामने आ रही है कि आसिम रियाज अपने म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हो चुके हैं। आगे भी हम उनके और गाने बहुत जल्दी उनके खुद के YouTube चैनल के ऊपर सुन सकते हैं। बट जहां पर बात रह जाती है रियलिटी शोज़ की, खासतौर पर खतरों के खिलाड़ी सीज़न 14 की, तो अभी आसिम रियाज की उस शो में वापसी नहीं हो रही है। शो के बारे में अगर मैं आपको अपडेट दूँ भाई, तो अभी के लिए क्या है कि दो कंटेस्टेंट और बाहर हो गए थे, विच इज़ कृष्णा श्रॉफ एंड साथ ही साथ हमारी जो शिल्पा शिंदे हैं। उसके अलावा जो लोग हैं अभी हमें परफॉर्म करते हुए अच्छा नज़र आ रहे हैं, सुमोना चक्रवर्ती की अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो हमने देखा था उन्होंने स्टंट किया था कार वाला, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म वो कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद वाला जो स्टंट था उसमें डेफिनेटली सुमोना ने अच्छा परफॉर्म किया था। शो अपने ही दम पर आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आसिम रियाज फैंस जो ये जानना चाहते थे कि आसिम क्या कर रहे हैं भाई, हमारे लिए और म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स लाते हुए हम आसिम को बहुत जल्दी देख सकते हैं। अपडेट्स जो भी होंगी मैं आपको देती रहूंगी, आपने कहीं नहीं जाना, बस यहीं पर हमें ट्यून इन करके रखना है। फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 नहीं तो कौन सा ऐसा रियलिटी शो है जिसमें आप आसिम रियाज को देखना चाहेंगे, और वो जो फाइट हुई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है। आसिम का ये जो फैसला रहा है शो में वापस ना जाने का, क्या आप इससे एग्री करते हैं? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? लेट अस नो इन द कमेंट्स।